नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल जीवनधारा डॉट इन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आधार कार्ड में ऑनलाइन पिता या पति का नाम कैसे अपडेट किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, पिता या पति का नाम आधार कार्ड में चेंज करने के लिए ऑनलाइन गूगल वेब ब्राउज़र पर udai.government.in लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपडेट आधार इस विकल्प के अंतर्गत आपको अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये माई आधार पेज खुल जाएगा, इसमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आधार कार्ड नंबर लिखकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आएगा और उसके लिखने के बाद जो है आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इस पेज में आपको जो है प्रोसीड टू अपडेट आधार इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस तरह का पेज खुलेगा और प्रोसीड टू अपडेट आधार इस विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने फिर ये नेक्स्ट पेज खुलेगा और नेक्स्ट पेज पर ये नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस लिख कर आएगा। इसमें आपको एड्रेस विकल्प पर क्लिक करके प्रोसीड टू अपडेट आधार इस विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है ये इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा। इसमें आप जो वर्तमान में लिखा हुआ है पिता का नाम उसकी डिटेल ऊपर लिख कर आएगी और ये नीचे दिया होगा डिटेल्स टू बी अपडेटेड। तो यहाँ केयर ऑफ के अंतर्गत यहाँ पर जो है आपको अपना नाम यहाँ पर जो भी पिता का लिखना चाहते हैं एड्रेस में वो यहाँ पे नाम अपडेट करके लिखना होगा और हाउस का अपार्टमेंट का नंबर और स्ट्रीट नंबर आधार एरिया लैंडमार्क पिन कोड या स्टेट डिस्ट्रिक्ट और जो है विलेज जिला टाउन में रहते हैं ये पूरा एड्रेस लिखना होगा फिर से। और लिखने के बाद जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको आधार प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया हुआ आपके डिवाइस में सेव है उसको सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, जिनमें भी जो है एड्रेस लिखा होता है वो एड्रेस यहाँ से आपके पास जो है या पासबुक का पहला पेज उसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ व्यू डिटेल्स एंड अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड हो जाएगा और अपलोड करने के बाद जो है फिर आपको नेक्स्ट बटन पर जब आप नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने एड्रेस अपडेट किया है उसका लिखा हुआ विवरण आपको दिखाई देगा, डिटेल्स जो है आपके आधार कार्ड में एड्रेस डिटेल चेंज हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जीवनधारा डॉट इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले